नमस्ते, युवा में लाइव पर आप सबका स्वागत है। त्राटक पे मेरे पहले भी बहुत सारे वीडियो हैं, नेट पे भी बहुत सारा आपको त्राटक पे वर्क मिलेगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किसे त्राटक नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ये तो हम लोग भी सिखाते हैं और नेट पे बहुत सारे लोग भी सिखाते हैं, जैसे हमारा चैनल है और भी चैनल हैं, गूगल पे भी बहुत कुछ है। कैसे करना चाहिए, तरीके कौन से हैं, ये सब ऑलरेडी हमने आपको समझाया है। किसे नहीं करना चाहिए, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि त्राटक क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि त्राटक किसे नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अनजाने में हम कोई भी तकनीक करने लगते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो तकनीक हम पे भारी पड़ने लग जाती है, फिर हम उसकी रोकथाम करने के लिए दर दर भटकते फिरते। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि स्पिरिचुअली शुरू होती हैं और इनका निदान भी स्पिरिचुअल ही होता है, और यानी कि हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं। मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन से ही उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, इसलिए सोच समझ के किसी चीज़ को करना चाहिए। त्राटक किसे नहीं करना चाहिए, अब उस मेन टॉपिक पे आता हूँ। त्राटक उसे नहीं करना चाहिए जिसके शरीर में ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा हो, हीट ज़्यादा हो, यानी कि मणिपुर चक्र ऑलरेडी विकसित हुआ हो। उसे नहीं करना चाहिए जिसका माइंड बहुत ज़्यादा वेवरिंग हो। हालांकि त्राटक जो है वो माइंड के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, यानी कि मन को शुद्ध करता है, लेकिन अगर मन बहुत ज़्यादा वेवरिंग है तो उसको शुद्ध करने से पहले उसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए त्राटक से पहले प्राणायाम की हेल्प लेनी होगी। इसलिए जिसका मन बहुत ज़्यादा भागता हो उसको सीधे तौर पर त्राटक नहीं करना चाहिए, ये उसके लिए प्रॉब्लम वाला बन जाएगा फ़ायदा देने की बजाय। ऐसे मैंने बताया मणिपुर चक्र उस विकसित हुआ हो, यानी कि उसमें एनर्जी ज़्यादा हो। कई बार क्या होता है कि मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा विकसित होता है तो हमें एनर्जी से रिलेटेड जो मणिपुर चक्र का जो स्थान है नाभि का, उससे संबंधित डिजीज हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पेट की समस्या है या कॉन्स्टिपेशन है या फिर और आंतों की समस्या है, जो नाभि के चारों ओर का जो एरिया है उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है वो हो सकती है। त्राटक करने से अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो उसमें दिक्कत बढ़ सकती है। अगर आप त्राटक कर रहे हैं, ये समस्या आ रही है, तो जो आपका गुरु है वो आपको बताएगा कि इस समस्या का क्या निदान है। मान लीजिए त्राटक कर रहे हैं, कई बार त्राटक करते हुए भी मणिपुर चक्र बढ़ जाता है, यानी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में जो आपका गाइड है वो आपको समझाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या स्टेप लेना चाहिए। लेकिन शुरुआत में अगर आपका गाइड आपको बता देते हैं कि नहीं आपका मणिपुर चक्र बढ़ा हुआ है तो आप प्लीज़ त्राटक ट्राई ना करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन डिसाइड करेगा मणिपुर चक्र बढ़ा हुआ है घटा हुआ है। देखिए, वो वास्तव में उसके लिए भी गाइड चाहिए, वो वास्तव में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका मणिपुर चक्र, यानी कि 100% आप श्योर नहीं हो सकते। श्योर तो हो सकते हैं लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपका मणिपुर चक्र ही बढ़ा हुआ है, इस वजह से आपको त्राटक नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता है, एक योग्य टीचर हो जो बता दे कि नहीं आपको त्राटक अभी नहीं करना है, बाद में इसका प्रयोग करेंगे। अक्सर हमारे यहाँ जब नाड़ी तत्व विवेचन हम लोग करते हैं, जो कि एक टेस्ट है ऑनलाइन, तो उसके बाद किन्हीं लोगों का जो मणिपुर चक्र वीक होता है और फिर स्वादिष्ठान चक्र बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हालांकि हम सजेशन में लिखते हैं कि आपको त्राटक करना होगा, लेकिन इमीडिएट कभी भी शुरू नहीं करवाते, उसको पहले दूसरे तरह की मेडिटेशन करवाते हैं। जब साधक का मन थोड़ा स्टेबलाइज होने लगता है तो फिर त्राटक भी करवा देते हैं। यानी कि ये डिसाइड करेगा टीचर कि इमीजिएट, मान लीजिए अब आप मेरे पास आए और मुझे पता लगा कि आपका मणिपुर चक्र भी नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन मैं ये चेक करूंगा कि आपका माइंड कितना वेवरिंग है। वो जब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि आपका माइंड कितना वेवरिंग है और कितना स्टेबल है, फिर उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि आपको इनिशियली क्या करवाना है। इसलिए कभी भी त्राटक एकदम शुरू नहीं करना चाहिए, उससे पहले प्राणायाम, योग निद्रा, इन सब का समावेश करना चाहिए। तो मोटे तौर पे त्राटक किससे नहीं करना चाहिए, इनिशियली तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी साधक हैं, आपको लगता है कि आपका मणिपुर चक्र स्टेबल है, आपको लगता है कि आपका मन
कम वेवरी है यानी कि बहुत ज्यादा भागता नहीं, तो आप टाटा को कर सकते हैं। अदरवाइज योग्य टीचर से पूछिए, बातचीत कीजिए, और अगर वो एडवाइस करे कि हाँ आप कर लीजिए, और प्रॉपर गाइडेंस में कीजिए। त्राटक करते हुए कई तरह की समस्याएं आती हैं, गाइडेंस अगर ना हो तो समस्या के बाद जंजाल बन जाती है, इसलिए आप इस बात को ध्यान कीजिएगा, खासतौर पर त्राटक को लेकर। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो।